स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अपने पुराने फॉर्म में लौट आया है। शो की कहानी जहां लोगों को पसंद आने लगी है तो वहीं इसी के साथ साथ शो के किरदारों को भी जनता काफी ज्यादा प्यार दे रही है। हाल ही में शो में मेकर्स ने रोहित के किरदार को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर रखने का फैसला किया है, जिसके बाद कहानी पूरी तरह से अबीरा, अरमान और रूही पर नजर आ रही है। लेकिन अब रोहित के जाते ही शो में दो ऐसे किरदार हैं जो कहानी में अपने खलनायक रूप से और ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। इसमें पहला नाम तो शामिल है रूही का। जी हाँ, वैसे तो रूही का किरदार शुरुआत में पॉजिटिव रोल में नजर आ रहा था, लेकिन अब उसके प्यार अरमान के जाने और रोहित के भी जाने से उसका अलग ही रूप नजर आ रहा है। वो अबीरा और अरमान की नजदीकियों से जलन महसूस करने लगी है और अब कहानी में विलन के तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ अबीरा के सामने बड़ी चुनौती ये है कि कैसे उसे पुदार परिवार अपनाएगा, तो दूसरी तरफ रूही का नेगेटिव होना उसके लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो वही शो में एक और बड़ा किरदार है जो अब नेगेटिव रूप में नजर आ सकता है। खबरें सामने आई है कि शो में ऋषभ जायसवाल के किरदार कृष में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खबरें हैं कि कृष का किरदार कहानी में नेगेटिव रूप ले लेगा। हालांकि अभी इस डेवलपमेंट पर शो के क्रिएटिव और मेकर्स के बीच में अभी चर्चा ही जारी है। शो से जुड़े एक सोर्स ने इस बारे में इंडिया फोरम को बताया है कि क्रिएटिव और मेकर्स ऋषभ के किरदार को नेगेटिव या ग्रे शेड बनाने पर सोच विचार कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि अरमान और रोहित दोनों शो के पॉजिटिव किरदार हैं, इसलिए मेकर्स थोड़ा ड्रामा जोड़ना चाहते हैं और इस फैसले पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी पक्के तौर पर सामने नहीं आया है और अंदर खाने बातचीत जारी है। शो के ट्रैक को लेकर खबरें ये भी है कि कृष अपने भाई अरमान के खिलाफ हो जाएगा ताकि उसे अपने पिता से प्यार मिल सके और वो उसे अपना भी सके। हालांकि अब देखना तो ये है कि रूही और कृष के पूरे तौर पर नेगेटिव बनते ही अरमान और अबीरा की लाइफ पर कैसा असर पड़ेगा, क्या दोनों की नजदीकियों पर भी इन दोनों का खलनायकपन असर डालेगा। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में।